नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म लाइव हो चुका है, आप सभी आज से फॉर्म इसका भर सकते हैं। और उससे रिलेटेड फॉर्म भरने से पहले आपके क्वेरी बहुत सारी रहती हैं कि सर फॉर्म भरते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, एक तो ये क्वेरी है पहला। और दूसरा जो आपका प्रश्न ये रहता है कि सर डीवी के समय हमारे पास क्या क्या रहना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सर मेरे ये प्रश्न है, इसका हल क्या होगा, हम जरूर एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो क्या जरूरी है आपका डॉक्यूमेंट आरआरबी एनटीपीसी में? तो यहां पर आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट है यहां पर लिस्ट आपका लगाया गया है कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, सपोज करो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो आरआरबी की वेबसाइट पर, तो जैसे आपके एसएससी ओसीसी का फॉर्म भरते हो वैसे रेलवे का भी है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप फ्रेशर हो इन द सेंस, अगर आपने एलपी, आपने आरपीएफ, पैरामेडिकल, चाहे आपने टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा है और सीधे आप पहले फॉर्म भरने जा रहे हो वो भी एनटीपीसी का, तो आप न्यू अकाउंट अपना क्रिएट करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, उस समय आपको जो भी डिटेल मांगी जाएगी आप डिटेल फिल करोगे। तो आधार कार्ड रहना आपका जरूरी है, आधार नंबर रहना जरूरी है क्योंकि यहां पर आपका आधार वेरिफिकेशन होता है और जो आपका एडमिट कार्ड आता है उस पर भी आधार वेरिफाइड होता है। और आपका जो सीबीटी में जब जाओगे आप तो वहां पर भी आपको चेक कराने में अपना एडमिट कार्ड आसानी से आपका चेकिंग भी हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि आपका जो नाम होगा, आपके पिताजी का नाम, आपके मम्मी का नाम, ये सभी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आपका जो डीओबी होगा वो भी 10th के अकॉर्डिंग ही भर रहा है। कुछ बच्चों के एक प्रश्न होते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड में डीओबी अलग है, मैं उसे चेंज कराने के लिए बोला हूं, चेंज हो गया है चाहे नहीं हुआ है जो भी हो, और सर्टिफिकेट में मेरा डीओबी अलग है। तो डीओबी के लिए जो बेसिकली होता है वो आपका सर्टिफिकेट ही होता है, नाम, पिताजी का नाम, मदर नेम, और आपका जो डीओबी है उसके लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th का ही एक तरह से वैलिड प्रूफ माना जाता है, तो ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके मार्कशीट में कोई करेक्शन है, करेक्शन कराने के लिए कोई एप्लीकेशन दिए हो सकता है, अगर लास्ट डेट तक हो जाता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आप वही नाम भरिए, चाहे वो आपके नाम में हो, चाहे पिताजी के नाम में हो, चाहे मदर के नाम में हो, फिर बाद में जब आप एफिडेविट लगवा लीजिएगा, सही करवा लीजिएगा, बाद में एफिडेविट लगवा लीजिएगा जब डीवी में जाइए, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जरूरी बात आती है यहां पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि कास्ट सर्टिफिकेट हमें क्या क्या होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आप ध्यान दो, ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, आपका एससी का हो गया और एसटी का हो गया, इन सभी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा। बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर आपने, जाहिर सी बात है, अभी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ का फॉर्म आया तो आपने भरा होगा, जेई का फॉर्म आया तो उसमें भी सेंट्रल का ही मांगा था तो आपने बनवाया है तो चलेगा। और इसकी वैलिडिटी की बात कर दें, कुछ लोग पूछते हैं तो एससी और एससी का जो वैलिडिटी होता है वो लाइफ टाइम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ओबीसी की अगर बात करें तो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है? सेंट्रल का सर्टिफिकेट अगर 3 साल पुराना है तो चलेगा, अगर उससे पुराना है तो नहीं चलेगा, मतलब 4 साल पुराना नहीं चलने वाला, 3 साल तक चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बनवाने में आसानी से बन जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप जाके प्रोफार्मा यहां पर दिया गया है, आपके एनेक्सर दिए गए हैं, उस एनेक्सर को लेकर तहसील में जाइएगा, बोलिएगा सर मुझे इस फॉर्मेट में सेंट्रल का ओबीसी या एससी या एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको पूरा बना के दे देंगे, 10-15 दिन का वर्क होता है ये। इसके बाद से अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस है ना, इसका सर्टिफिकेट क्या होगा, ये कब का चलेगा, तो ये आपका अप्रैल 2024 के पहले का नहीं चलेगा, 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है? इस फाइनेंशियल, करेंट फाइनेंशियल ईयर का ये रहना चाहिए, तो अप्रैल 2024 के बाद का अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपका ये दौड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये उन बच्चों के लिए जो अगर फीस में जो है वेवर चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक इनकम सर्टिफिकेट अपना अपने पिताजी के नाम के बिहाफ पर
बनवाना होता है, तहसील से ही ये भी बनता है, उसका भी फॉर्मेट एनेक्सर दिया गया है। आप यहां को मैं एनेक्सर दिखा दूंगा, फॉर्म के लास्ट में आपको पूरे एनेक्सर लगाए गए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड करके तहसील में जाके वो एनेक्सर दिखा के वैसा अपना बना सकते हो। बाकी फिजिकली डिसेबल जो कैंडिडेट हैं वो अपना फिजिकल जो भी जिस प्रकार से उनकी डिसेबिलिटी है उस प्रकार का आप बनवा सकते हो सर्टिफिकेट सेंटर के बिहाफ पर। और उसके बाद से 12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए आपका, क्योंकि जब आप अपना लास्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हो तो वहां सब कुछ डिटेल मांगी जाती है, तो वहां पे आपको अपना सर्टिफिकेट का कब इशू हुआ, रोल नंबर, सर्टिफिकेट का नंबर और डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो सकता है कराएगा, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी का डिग्री नहीं मिला है तो वो क्या कर सकता है, वो फाइनल ईयर का मार्कशीट लगा सकता है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, अपलोड में सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, तो वो गलती होता है। आपको से पूछा जाता है ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग आप कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सर्टिफिकेट इशू डेट होता है आपका डिग्री का जो सर्टिफिकेट नंबर डेट जो लिखा रहता है वो लोग डाल देते हैं, वो नहीं डालना होता। आपको ईयर ऑफ पासिंग में कब आपने पास किया, मतलब लास्ट ईयर का जो आपका मार्कशीट मिलता है उसमें जो आपका डेट लिखा रहता है वो ईयर ऑफ पासिंग है, उसको फिल करिए। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन का डिग्री या चाहे जो भी लगा रहे हो तो कोई एक ही चीज लगाओ, डिग्री लगा रहे हो तो डिग्री ही लगाओ, आप मार्कशीट लगा रहे हो तो मार्कशीट लगाओ, ये नहीं कि एक जगह मार्कशीट का नंबर डाले हो और डिग्री अपलोड किए हो, ठीक है, ये चीज नहीं होना चाहिए। आप मार्कशीट लास्ट ईयर की मार्कशीट लगाइए सबसे बढ़िया है, उसी का सर्टिफिकेट नंबर भी लिखिए, उसी का रोल नंबर भी लिखिए, उसी का ईयर ऑफ पासिंग भी लिखिए, ठीक है, वो सबसे उचित रहेगा। तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। और फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण सातवां पॉइंट और आठवां पॉइंट है। सातवां पॉइंट क्यों है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वैसे मोबाइल से फोटो खींच के चाहे पुरानी कोई फोटो पड़ी रहती है उसको बस एडिट ऑडिट करते हैं थोड़ा सा और उसको अपलोड कर देते हैं। फोटो भी आपका जो होना चाहिए किसी भी कैप पे नहीं होना चाहिए, चश्मे के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, फोटो आपका पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और 50% आपका फेस जो है उस फोटो को कवर करना होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसका बैकग्राउंड ध्यान रखना, कुछ लोग कलर बैकग्राउंड में अपलोड कर देते हैं फिर कहते हैं सर कहीं मेरा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो ये काम ही क्यों करना, पहले से सावधान हो जाओ। जब आपको लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए तो व्हाइट बैकग्राउंड में अपना फोटो खिंचवा लो जहां जाओ और कम से कम 30-32 कॉपी रखो, बोला भी गया है कि 32 कॉपी आपकी जाना जरूरी है, तुरंत नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हो आप CBT2 में जाते हो आगे प्रोसीड करते हो तो फोटो की बहुत जरूरत होती है और सेम फोटो आपका लगता है तो आप या तो पहले से उसका सेव कर लो जब भी फोटो खिंचवाने जाओ, नहीं 32 कॉपी निकलवाना है 4-5 कॉपी निकलवाओ, उससे बोल दो भैया इसे मुझे मेरे मेल पर भेज दो तो वो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट भी भेज देगा और उन्हीं भाई साहब से आप कह दीजिएगा मेरे फोटो को इतने KB में बदल के दे दीजिए। आप लोग क्या करते हो आलसी एक नंबर के हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, आप साइबर कैफे वाले को जो भी पुराना उराना पड़ा रहता है फोटो भेज देते हो, बस फॉर्म भरने से मतलब है, भर दो भैया एक तो फॉर्म भर दो, घर वालों को कम से कम बता देंगे कि हम फॉर्म भरे हैं, ठीक है, साइबर कैफे वाले ने कहा ठीक है ये भेज देना, वो क्या करना है वो सब कुछ भेज देता है, भेज दिया उसी हिसाब से फॉर्म भर देता है। और एक बड़ी गलती और क्या करते हो आप सभी लोग कि यहां पर आपको क्या चाहिए, आपका बैंक डिटेल चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एक बैंक डिटेल आपका जो होना चाहिए, आप अपना बैंक डिटेल देना, ठीक है, बैंक डिटेल की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आपको फीस रिफंड होगी जब आप एग्जाम दे लोगे, तो अभी जो है आपका फीस यहां पर जितना लिया जा रहा है उसका आपका रिफंड हो जाएगा, सिर्फ मिनिमम 100 रुपया ही आपका लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, तो बाकी आपके रिफंड होंगे तो आपके बैंक अकाउंट में ही तो जाएंगे। अब यहां गलती क्या करते हो तुम लोग, साइबर कैफे वाले पर छोड़ के चले आते हो, साइबर कैफे वाला सब में अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देता है, अब बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया तो जितने भी सोचो कि अगर उसने फॉर्म भरा होगा सभी बच्चों का जब रिफंड आएगा तो बढ़िया एक है ना, मोटरसाइकिल भर का पैसा उसका निकल आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बैंक डिटेल अपना देना है, साइबर कैफे रे भैया भर देना तुम, ये काम नहीं करना है उससे, ठीक है, तो बैंक डिटेल का मतलब आप पासबुक में जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो चीजें आप दे दीजिएगा, फ्रंट का जो होता है पासबुक का उसका
प्रिंट करा के स्कैन करके उसे अपलोड करने के लिए मांगे तो अपलोड कर देना। वैसे बैंक डिटेल ही सिर्फ मांगता है, मतलब अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब मांगता है। ठीक है, फोटो आप इतने केबी में करवा लेना और सिग्नेचर रनिंग हैंड में चाहिए। रनिंग हैंड मतलब ब्लॉक लेटर में नहीं, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होता, जानते हो, जैसे आप जनरली करते हो अपना सिग्नेचर बनाओ, वो सिग्नेचर होना चाहिए और ब्लैक पेन से होना चाहिए, साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है व्हाइट पेज पर, आपका ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करके उसे भी आपको किस कितने केबी में करना है, 10 केबी से 40 केबी में। अगर आपके पास फोटो है चाहे सिग्नेचर, आप कहोगे क्या इस सिग्नेचर वाले कंप्यूटर भाई साहब के पास ले जाएंगे, खुद भी कर सकते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लो फोटो व्यूअर, या आप सीधे सीधे पेंट खोल लो, वहां से जाके आप रिसाइज कर सकते हो, इतने केबी में आपका आ जाएगा। तो ये चीजें आपको मैंने बता दिया कि जरूरी है। और एक्स सर्विस मैन वालों को क्या चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो उन्हें जो नौकरी छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलता है वो एक्स सर्विस मैन वालों को चाहिए, प्लस उसके साथ एनओसी भी चाहिए, इसके साथ इनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। और अभी कोई किसी भी जगह पे वर्किंग है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ेगा, तो ये भी आपको जरूरी है जो वर्किंग है। बाकी मैंने बता दिया फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए भी आपको मैंने बता दिया कि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, उसका भी डिटेल भरवाया जाएगा, अपलोड करवाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे आते हैं, और ये जितना मैंने आपको समराइज बताया वही आपके नोटिफिकेशन में यहां पे साफ साफ लिखा गया है। एक बात और सबके क्वेरी होती है कि सर क्या मेरा एग्जाम हो चुका है, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हूं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो ठीक है, लेकिन 13/10/2024 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, अगर मैं बात करूं जितने भी आप डॉक्यूमेंट, लास्ट में जब डीवीवी होगी आपकी, तो ऐसा कुछ बच्चे बोलते सर मैं बाद में बनवा लूं आपका इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, अभी मैं पुराना वही कर लूं ऐसे लगा दूं, ठीक है बाद में अगर बनवा लूं तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा कि आपका सीधे सीधे बोला जाता है जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, तो लास्ट डेट का पहले का ही आपका सभी डॉक्यूमेंट जरूरी है। प्लस अगर आपके रिजल्ट वेटिंग है, रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो आपके लास्ट फॉर्म के लास्ट डेट से पहले रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल मानो जाओगे, अदरवाइज यहां पर बोला है शुड नॉट अप्लाई। यहां क्या बोला, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और बोला है जितने भी आपके चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्ड एज द आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आपका जो भी नाम डीओबी होगा वो इसी के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो ये सब मैंने आपको समराइज करके बता रखा है। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए फोटो का, बेसिकली फॉर्म भरने में, वो जेपीईजी का फॉर्मेट होना चाहिए, पीएनजी में ही यूज होगा। यहां पर कुछ लोग पीएनजी करवा लेते हैं, नहीं भाई साहब, फोटो वाले भाई साहब से बोलना कि इसको पीएनजी फॉर्मेट में नहीं, जेपीईजी फॉर्मेट में भेजना है। ठीक है, साइज 20 केबी से 50 केबी की होनी चाहिए, सिग्नेचर के 10 से 40 केबी का होना चाहिए, यह सभी मैंने आपको बता दिया। एससी एसटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है उस केस में जब आपको फ्री, क्योंकि इन्हें फ्री ट्रेवल पास स्लीपर का मिलता है। ठीक है, इनको स्लीपर में आपको पेपर जाने के लिए, पेपर जाने के लिए यहां पर फ्री में आपको कोई भी फीस नहीं लगती है, मतलब इन द सेंस आपका पैसा नहीं लगेगा जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा जाने के लिए। अब अगला आता है, हाँ इस पे जैसे फोटो के बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया कि फोटो कैसा होना चाहिए, आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टूडियो का होना चाहिए अच्छे से, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। अब पोर्ट्रेट में होना चाहिए, लैंडस्केप लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका फोटो ऐसे आपका पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए, खड़े खड़े ऐसे जैसे होता है पासपोर्ट साइज। 50% मैंने फेस वाली बात जो कही थी, और यहां पे देखिए व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सब कुछ आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है अच्छे से। बाकी आपके पूरे के पूरे देखिए डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो जरूरी हैं, आपके ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, इनकम एसेस सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये आपका सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए जो आपके तहसील से बनता है।
ठीक है, ओबीसी का, एससी एसटी का, आपके जितने भी 10+2 और ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपके पास अच्छे से होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, ये सभी मैंने आपको बता रखा है, ये सब आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर इसकी बात करें कि इसका फॉर्मेट क्या होता है सर, परफॉर्मा क्या होता है, तो यहां पर एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इसके फॉर्मेट आपके कैसे होते हैं। ऑलरेडी यहां पर दे रखा, अगर पहली बार कोई बनवा रहा है तो इसका प्रिंट निकाल के आप एनेक्सर का प्रिंट निकाल के लेके जाइएगा आप अपने तहसील में और उनको दिखा दीजिएगा कि हमको इसमें चाहिए सेंट्रल का चाहिए। किसका चाहिए? क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो वो स्टेट का बना देंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे सेंट्रल का चाहिए। तो ये एससी सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, पूरा दिया गया है। इसी प्रकार से ओबीसी में आओगे तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको है, ये देखिए। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में कोई सेंट्रल और स्टेट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। वो आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप अपने तहसील से बनवा लीजिएगा, उसी फॉर्मेट में आपका बनके तैयार हो जाएगा ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। उसके बाद से यहां पर देखोगे तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये पूरा ऐसे ही बनेगा। यहाँ फोटो लगेगा, यहाँ सिग्नेचर ऑफ सील ऑफ ऑफिस एंड इग्निशन, यहाँ पर लिखा भी है आपका ऑथोरिटी कौन कौन होना चाहिए इसका, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपका, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनके द्वारा जो बनाया जाता है यही लोग आपके प्रमाण करके देते हैं आपका ईडब्ल्यूएस, और ये सिर्फ साल भर का ही वैलिडिटी इसकी रहती है, वो भी करेंट फाइनेंशियल ईयर का। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये फीस वेवर के लिए बनाया जाता है, फिजिकली आपका नाम आपके पिताजी के नाम पर ये आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है। जन सेवा केंद्र से भी बन सकता है, आप तहसील से भी चाहो तो बनवा सकते हो। चलिए अब इसके आगे आते हैं। हाँ, ये आपका क्या है, एग्जामिनेशन फीस, हाँ परफॉर्मा है एग्जामिनेशन फी के वेवर के लिए, तो यहां पर आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको भर के आपको जमा करना होगा जब आपको फी वेवर चाहिए तो। उसके बाद से ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है पूरा आपका, ठीक है, ये पूरा आपका फॉर्मेट उसी का चल रहा है डिसेबिलिटी वाले का, तो ये भी आप सेंट्रल का ही आप फॉर्मेट यूज करके आप बनवा लोगे। ये आपका क्या है, हाँ कैंडिडेट विजुअली इंपेयर्ड, वो भी डिसेबिलिटी के ही अलग अलग के आपके अलग अलग सर्टिफिकेट आपके फॉर्मेट दिया गया है कि आप जिस भी प्रकार के आपको डिसेबिलिटी है उस प्रकार का आप यहां पर फॉर्मेट से आप बनवा सकते हो, जिस भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहीं पर और भी चीजें हैं, जैसे आपको यहीं पर फॉर्मेट आपको आगे चलोगे ना तो आपको करेक्टिव, यहां पर अगर आपने आप अपनी आंख की सर्जरी कराई है सपोज करो, ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए जैसे सर्जरी एलिजिबल है आंख की सर्जरी, और कुछ के पोस्ट के लिए नहीं है, मतलब जहां C2 और B2 है वहां सर्जरी अलाउ है, जहां A2 और A3 है वहां सर्जरी अलाउ नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब ए कंडीशन के लिए सर्जरी अलाउ नहीं है तो उसके लिए भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आपने सर्जरी कराई है उसका भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, साथ ही साथ अपना जो आपका अगर मेडिकल चेकअप, जो एक फिजिकली फिट का भी आपका चेकअप होता है, आपका आंख चेक, आंख का भी चेक होता है डॉक्टर से, तो वो डॉक्टर से आंख चेकअप का, देखो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट टू ऑब्टेन फॉर आई स्पेशलिस्ट, मतलब आपको आंख के डॉक्टर से, आंख के स्पेशलिस्ट से आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपकी आंख सही है एकदम परफेक्ट 6x, वो भी A2 के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। तो ये आपको सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं ये सभी। तो जो भी अब पोस्ट, अभी मैं एक मेडिकल की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा किसके लिए आपकी आंख A1 स्टैंडर्ड, मतलब एक अच्छा आंख चाहिए, मतलब चश्मा उश्मा जिसमें नहीं लगता है, ठीक है, और किसके लिए आप चश्मा के साथ भी अप्लाई कर सकते हो वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको दिया गया है सर्टिफिकेट एम्प्लॉयड ऑफिसर, मतलब जो आपके अभी वर्किंग है उनके लिए, परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, जो इंप्लॉई हैं उनके लिए कि आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, वो सब दिया, एक्स सर्विसमैन के लिए पूरा दिया गया है, ठीक है। तो आपके पूरा कम से कम 40 पेज का ऑलमोस्ट है ये पूरा आपका जो परफॉर्मा है, ये 40-40 पेज का आसपास का है, ठीक है। तो आप वहां से आप बनवा सकते हैं इसी को ले आके दिखवा के, ठीक है। तो आपके बाकी आप अपना मेडिकल भी चेक करा के, इसमें जैसे आंख ऊंख है उसका भी सर्टिफिकेट आपको खुद बनवाना है, ठीक है, कि एक अच्छे डॉक्टर से उसका साइन मोहर सील सब कुछ होना चाहिए। तो ये तो रही बात आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा बात अगर करें आपसे, तो आप तैयारी कैसे करें, आज से ही तैयारी में आप लोग लग जाइए। टीम परीक्षा प्लस मिनिमम, अगर हम बात करें आपसे मिनिमम शुल्क में, मतलब एक किताब से भी कम दाम में
बैच आपको दे रही है 199 रुपया में आपको पूरा पूरा का पूरा बैच है। बाकी अगर जिसे प्रैक्टिस ही करना है तो हम फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साइंस की क्लास पर डे बेसिस पर 6 बजे यूट्यूब पे आलोक सर के द्वारा ली जाती है। रीजनिंग मैं ही पढ़ाता हूं, जीके जीएस आपके रमन सर और सर्वेश सर के द्वारा, और मैथ की क्लास सर आलोक सर लेते हैं। ये शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक ये रेलवे स्पेशल क्लास हमारे यहां परीक्षा प्लस यूट्यूब पे चलती है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, एकदम फ्री में है, इससे कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं वहां पे आपको ये सभी टीचर्स आपके सभी अलग अलग प्रकार के जो क्लासेस हैं वो लेंगे। ये आप देख लीजिए, यहां पर जीएस के हमारे ये 3 फैकल्टी हैं आपके, जीएस लेंगे। और यहां पर अगर आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी 2.0 हो, मात्र 199, मतलब एक किताब से भी कम दाम में आप जुड़ सकते हो। जुड़ने का प्रोसीजर यही है कि आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप पेड कोर्सेस में जाओगे, रेलवे ग्रुप चूज करोगे, वहां पे आपको ये सभी कोर्स दिखेगा, यहां से आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कोर्स को इस प्रकार से बनाया गया है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट और उसके पीडीएफ नोट्स लगाए गए हैं। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई डाउट है, तो एक बार आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मेरा ये डाउट है, क्लियर कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंटों का जवाब दिया जाए। और एक मेडिकल का जो इशू है मैं उसे भी यहां पर आपको अच्छे से एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।